तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को, ये हमारे पास वर्लपूल का टाइमर है, वॉश टाइमर है, मैं इसका कनेक्शन आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीक़े से बदलाऊंगा। इसमें तार है दोस्तों 3, 2, 5 और ये बर्जर के लिए है, 5 टोटल तार है। अब ये वाला जो है कि बर्जर पर जाएगा और ये होगा हमारा न्यूट्रल का पॉइंट, ये भी बर्जर पर जाएगा और यहाँ से ये मेन न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों, आप लोग 2 तार छोड़ दिए, समझ लिए कि बर्जर का है और ये न्यूट्रल का। अब टोटल हमारे पास आया है केवल 3 तार। 3 तार दोस्तों, ये हो गया हमारा मेन सप्लाई बेस का, ये भी साइड बचा 2 तार। ये दो तार हमारा मोटर पर जाएगा और मोटर चलाने के लिए चलिए मैं इस पर सप्लाई जोड़ देता हूँ। यहाँ पर सप्लाई मैं बल्ब को जोड़ देता हूँ। समझिए कि बल्ब ही हमारा मोटर है। ठीक, तो किसी भी बल्ब को चलने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक न्यूट्रल की और बेस की। तो चलिए मैं इसको पहले साइड कर देता हूँ। ठीक है, इधर साइड कर देती हूँ। ओनली हमारे पास 2 तार निकला, इसे चाप देता हूँ। देखिए, और इसका न्यूट्रल कॉमन हो गया, मोटर का न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल कॉमन हो गया, उसको हम इसमें डाल देते हैं। ठीक, ये रहा हमारा मेन फेज, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब ये बचा हमारे पास मोटर का फेज वाला तार, या तो इस पर लगाएंगे या तो इस पर लगाएंगे। इस कंडीशन में एक बार इस पर मोटर चलेगा, एक बार इस पर चलेगा। इससे क्या होगा कि मोटर एक बार सीधा रन करता है, एक बार उल्टा रन करता है। तो मोटर एक बार इस पर सीधा रन करेगा, इस पर उल्टा रन करेगा। चलिए मैं यहाँ से स्विच को ऑन करता हूँ। स्विच हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसका जो कनेक्शन होगा, ये हमारा मोटर का है। मोटर का एक सिरा आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसमें क्या हुआ है, न्यूट्रल के साथ गया है। यहाँ से ब्लैक वाले तार से इसको न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से रेड वाले से फेस मिल रहा है। ठीक है, और ये तो बर्जर का है, इसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास 2 तार आया मोटर का, किसी हम एक पर लगाएंगे तो हमारा ये तार जो है कि मोटर चलेगा। चलिए इस पर लगा के देखते हैं मोटर हमारा कब चलता है। मोटर जल गया, ठीक है, कट गया। अब इस पर जलेगा, इस पर चल रहा, अभी इस पर कटेगा, अब इस पर आ जाएगा। देखिए इस पर आ गया, अब इस पर से कटेगा, अभी फिर आएगा, देखिए आ गया। यानी कि मोटर हमारा एक बार उल्टा रन कर रहा है, एक बार सीधा रन कर रहा है। दोस्तों, ये कनेक्शन केवल ओनली वर्लपूल वॉशिंग मशीन में आपको काम देगी। कलर कोड आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड रेड कलर मेन सप्लाई के लिए है और येल्लो और ब्लू हमारा मोटर की सप्लाई के लिए है। तो दोस्तों, ये केवल आपको वर्लपूल वॉशिंग मशीन में ये वाला जो आप कनेक्शन है ये यूज कर सकते हैं। देखिए कट गया, देखते हैं कितना सेकंड करता है। देखिए इस पर भी वही काम होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, काउंटिंग करता हूँ समय कितना वक्त तक हमारा चलता है। दोस्तों आइए मैं काउंटिंग करके दिखाता हूँ। चलिए 1, 2, 3, 4 सेकंड इस पर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से 6 सेकंड हमारा जो है कि ये मोटर एक बार सीधा एक बार उल्टा रन कर रहा है। चाहे तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम बेसी करने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को कनेक्शन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए हमारे वीडियो में, मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, समझा दूंगा। और आगे आप लोग बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, हमारे पास जो ख़राब टाइमर है, देखिए 2 खराब टाइमर है, ये भी वर्लपूल का ही है और ये भी वर्लपूल का ही है, क्योंकि मैंने एक ही दिखाया, एक ही बताया। ये भी नया है, ये 2 सेट नया है और ये 2 सेट पुराना है। तो ये दोनों ख़राब हो चुके हैं और नया को मैंने बता दिया। आपका राय आप लोग बताएंगे तो फिर मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ।
साइड।